अनंत महादेवन, रेखा राणा अभिनीत, निर्माता निर्देशक कुमार राज की फिल्म अमीना ने आज के समय में इतिहास रचते हुए सिनेमाघरों में 25 सप्ताह सफलता से चलने का रिकॉर्ड बना लिया। मुंबई के इस्कॉन ऑडिटोरियम में फिल्म की सिल्वर जुबली का शानदार केक काटकर जश्न मनाया गया। साथ ही इस अवसर पर डायरेक्टर कुमार राज ने लेखक डॉक्टर प्रोफेसर किशन पवार, सह निर्माता धर्म, अभिनेत्री और कवियत्री लता हया, फिल्म के सिंगर, कलाकारों, एसोसिएट डायरेक्टर, चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर और एसोसिएट प्रोड्यूसर सहित मौजूद अमीना की टीम को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। थैंक यू वेरी मच। इसमें मैं क्रेडिट दूंगा मेरे पूरे टीम को जिसने बहुत मेहनत की है, प्री प्रोडक्शन, शूटिंग, पोस्ट प्रोडक्शन एंड यू पीपल आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल और आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग दिस मूवी सक्सेसफुल, बिकॉज यही टीम आई थी मेरे प्रीमियर में एंड आप लोग ने इतनी अच्छी अच्छी व्यूज दी कि हमारी पिक्चर आज भी चल रही है 25th week mein. So I'm very proud and honored with the love and support I have from you all. So I'm very thankful to you. Thank you very much. रेप जैसे गंभीर मुद्दे पर आपने फिल्म बनाई है, इस फिल्म के रिलीज के बाद से जितने भी हिंदुस्तान भर में रेप के हादसे हुए, कहीं ना कहीं आपके फिल्म को कहीं ना कहीं लिंकअप किया गया, कैसे देखते हैं सर इस बात? हमने तो एक बहुत अच्छे विचार और अच्छे मन से ये पिक्चर बनाई थी for a very good cause, because Hindustan has become the rape capital of the world. तो हमने एक solution दिखाया picture में and एक awareness दी. As a film maker, I had a responsibility to do something for to stop rape in India. So I have done a very small, finished my responsibility. It's a small drop in the ocean. इसी प्रकार हमारा हर नागरिक अपने तरफ से कुछ सही कदम उठाए तो हम ये इंडिया में रेप बंद कर सकते हैं, बाय नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट इट, बाय डूइंग समथिंग वेरी फर्म एंड एवरीवन हैज अ रिस्पांसिबिलिटी टू डू समथिंग राइट इन स्टॉपिंग रेप. सो हमने एक अवेयरनेस एजुकेशन किया है लोगों को कि पीपल शुड सी द कंडीशन ऑफ द विक्टिम, रेप विक्टिम, उनके पेरेंट्स पे क्या बीतती है, कितने सुसाइड्स होते हैं. पिक्चर में जो लड़की रेप विक्टिम है उसको कोर्ट में खड़ा कर दिया जाता है, वो बोलती है आई डू नॉट वॉन्ट टू बी ऑन द वेट लिस्ट फॉर द नेक्स्ट 12 इयर्स, फॉर नेक्स्ट 20 इयर्स मेरा रेप हुआ है और मेरे को ही 20 साल रुकना पड़ेगा जस्टिस के लिए. सो वी I have made a movie, honest movie, to try and stop rape. Then the legislation, phir kanoon, our parliament, everyone has to do some rightful things towards you as a reporter. We just should not just talk about it.
I will ask you, what have you done to stop rape in India? Like a teacher is there in the school, बच्चों को educate कर सकती है in the right direction to stop rape. So I'm happy. I made a very good movie, which is resonating, and people are liking the thought behind it. And the people have made it very successful. I'm very proud of it. Thank you very much. क्या आपको लगता है rape जैसे गंभीर आरोपी होते हैं जो उनको सजाए मौत देना चाहिए कानून के हाथ में लेकर करना चाहिए कि कानून के छोड़कर आप खुद अपना बदला लेना चाहिए क्या राय है इस पर आपकी इट्स वेरी सिंपल रेपिस्ट रेप केस आता है सामने देयर शुड बी जस्टिस गिवन इन जस्ट वन मंथ्स टाइम अगर वो पकड़ा जाता है तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद एक महीने में जस्टिस डिसीजन आ सकता है एंड द डिसीजन हैज टू बी अ वेरी वेरी सीवियर पनिशमेंट एंड इट कुड बी ही शुड बी हैंग्ड सो जब तक हम एक सजा डिफिकल्ट नहीं कर सकते अभी एक केस आया मैं आपको बता रहा हूँ रेपिस्ट को जेल में डाला उसको बेल मिली ही हैज किडनैप द सेम गर्ल फॉर वन मंथ ये मध्य प्रदेश की बात है चार दिन पहले की बात है ही हैज रेप्ड द गर्ल फॉर वन मंथ सो द गाय वॉज नॉट पनिश्ड इफ यू कैच समवन हम सिंगापुर में आपको बताऊं सैटरडे संडे पे भी लोग काम कर रहे हैं कोर्ट में लेट इवनिंग काम कर रहे हैं इंडिया की तरह 20-20 साल केस नहीं चलता तो 20-20 साल केस चलता है तो जो रेपिस्ट है He's not bothered. He will rape one girl, he'll rape second girl, he'll rape 10 girls. He knows he's going to come out on bail and case khatam ho jayega. Aapne kaha kanun kadak hona chahiye. Kanun bahut sakht hona mangta hai. And mere picture mein to jo ladki do rape victims hai. Ek suicide karti hai 30 saal pehle. And aaj ke life mein जो रेप विक्टिम है वो तीन खून कर देती है ईद के मौके पर आपकी फिल्म रिलीज हुई थी साथ ही में दो बहुत बड़ी बड़ी फिल्में रिलीज हुई थी बड़े मियां छोटे मियां मैदान इसके बावजूद आपकी फिल्म 25 हफ्ते तक सिनेमाघरों में टिक पाई क्या कारण मानते हैं सर देखो आज के टाइम में पीपल थिंक एंटरटेनमेंट इज ओनली थिंग विच पीपल रिक्वायर इट्स नॉट करेक्ट आपका कंटेंट स्ट्रांग है और जीरो एंटरटेनमेंट है तो भी आपकी पिक्चर चलेगी तो मेरी पिक्चर में यू हैव आइटम सॉन्ग यू हैव कांस पेरिस दुबई अबू धाबी न्यूयॉर्क लॉस एंजलिस बॉम्बे करजत गाम्बिया डकार इतनी जगहों पे सो यू हैव विजुअल्स यू हैव द मूवीज मूविंग सो फास्ट आपका एक घंटा 45 मिनट्स कभी खत्म हुआ आपको पता नहीं चला तो यू विल फील लाइक सीइंग दिस मूवी अगेन एंड अगेन सो दैट इज द रीजन व्हाई आई हैव रिपीट ऑडियंस पीपल हैव टोल्ड मी दे हैव सीन द मूवी फॉर 3 times, 4 times तो आई माईसेल्फ गेट सरप्राइज कि ऐसा भी होता है सो इट्स बिकॉज देयर इज यू आर गेटिंग कनेक्टेड विद द ऑडियंस तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ वॉज अ टोटल एंटरटेनर विच For what reason it flopped, I cannot say because I didn't see the movie. But my movie is entertainment is also there. But there is content. For the first time in the history of Bollywood, you will see a movie, a story narration which is happening like Birdman in Hollywood. Birdman mein play non play aata hai, and meri movie mein for the first time in Bollywood you will see play non play happening. And it's the first time. The total different narration आप कभी देखा ही नहीं होगा बॉलीवुड में जब ये पिक्चर हॉलीवुड में भी बन रही थी बर्डमैन तो सभी ने बोला कौन देखेगा बट दैट मूवी वेंट अहेड एंड गॉट द ऑस्कर सो आई एम होपिंग माई फिल्म फ्रेटर्निटी गाइज ऑल्सो गोइंग टू अप्रिशिएट द मूवी एंड वी माइट लैंड अप गेटिंग अ फिल्म फेयर और जी और स्क्रीन अवार्ड थैंक यू वेरी मच सिल्वर जुबली के बाद क्या आपको लगता है कि गोल्डन जुबली भी होने की उम्मीद है सर जी गोल्डन जुबली आज के टाइम में सिल्वर जुबली हो गई
वो इम्पॉसिबल चीज है। अब गोल्डन जुबली ऊपर वाले के हाथ में है, बट सिल्वर जुबली मैं अपने पूरे टीम को, जितने भी लोग हैं जिसने आधा मिनट भी काम किया है, सबको 5 इंच का हेवी सिल्वर का सिक्का दे रहा हूँ, उस जिसमें पे छपा हुआ है अमीना सिल्वर जुबली। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ माय मूवी गोइंग अप द सिल्वर जुबली एंड गोल्डन जुबली में मेरे को बहुत भारी पड़ेगा, उनको सोने का सिक्का देना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल आपसे जानना है, ओटीटी का जमाना है, फिल्म ओटीटी पर रिलीज होने की भी प्लान्स है ऐसा कुछ सुनने में आया, क्या कहेंगे इस पर आप? सर जी, हमारी पिक्चर सिर्फ इट्स नॉट जस्ट अ मूवी, अब मेरी पिक्चर अमीना 1 घंटा 49 मिनट्स की पिक्चर है। इसके अलावा वी हैव ऑल्सो मेड दिस मूवी इन टू अ वेब सीरीज, तो 21 मिनट्स इंटू 7 एपिसोड्स इज रेडी। सो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आर नेगोशिएटिंग विद अस, तो जो पहला हमसे फाइनलाइज करेगा, सो वी विल बी गिविंग आइदर अ मूवी और ओटीटी जो और अ वेब सीरीज, वॉट एवर दे वॉन्ट। तो आजकल ओटीटी में ओटीटी का जमाना है, वेब सीरीज का जमाना है, इफ समवन वांट्स वेब सीरीज माय मूवी इज रेडी, मूवी एज वेल एज ओटीटी वेब सीरीज। सो हुआ वांट्स, अभी फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू गो इन द मार्केट टू फाइंड हु वांट्स व्हाट, अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव कॉन्टेक्टेड अस, बट नाउ वी विल प्लान टू सेल द मूवी टू आवर ओटीटी प्लेटफॉर्म फॉर द फर्स्ट टाइम। हमारी नेक्स्ट पिक्चर के अगर लोग हैं तो इधर आ जाइए। बॉस कौन है अपना? वी हैव सब लोग कम द साइड, वी हैव सबसे पहले तो मुबारकबाद देना चाहिए इस मौके पर, आपकी इस फिल्म सिल्वर जुबली कर रही है जहाँ पर ओटीटी पे 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में लोगों की फिल्म को हिट कर देते हैं, लंबे अरसे के बाद हमने किसी फिल्म की सिल्वर जुबली मनाते हुए देखा, क्या कहेंगे सर? थैंक यू वेरी मच, इसमें मैं क्रेडिट दूंगा मेरे पूरे टीम को जिसने बहुत मेहनत की है, प्री प्रोडक्शन, शूटिंग, पोस्ट प्रोडक्शन एंड यू पीपल आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल और ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग दिस मूवी सक्सेसफुल, बिकॉज यही टीम आई थी मेरे प्रीमियर में एंड आप लोग ने इतनी अच्छी अच्छी व्यूज दी कि हमारी पिक्चर आज भी चल रही है 25th week में। सो आई एम वेरी प्राउड एंड ऑनर्ड विद द लव एंड सपोर्ट आई हैव फ्रॉम यू ऑल, सो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, थैंक यू वेरी मच। रेप जैसे गंभीर मुद्दे पर आपने फिल्म बनाई है, इस फिल्म के रिलीज के बाद से जितने भी हिंदुस्तान भर में रेप के हादसे हुए, कहीं ना कहीं आपके फिल्म को कहीं ना कहीं लिंकअप किया गया, कैसे देखते हैं सर इस बात? हमने तो एक बहुत अच्छे विचार और अच्छे मन से ये पिक्चर बनाई थी फॉर अ वेरी गुड कॉज, बिकॉज हिंदुस्तान हैज बिकम द रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, तो हमने एक सॉल्यूशन दिखाया पिक्चर में एंड एक अवेयरनेस दी। एज अ फिल्म मेकर आई हैड अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू समथिंग फॉर टू स्टॉप रेप इन इंडिया, सो आई हैव डन अ वेरी स्मॉल फिनिश माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स अ स्मॉल ड्रॉप इन द ओशन। इसी प्रकार हमारा हर नागरिक अपने तरफ से कुछ सही कदम उठाए तो हम ये इंडिया में रेप बंद कर सकते हैं, बाय नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट इट, बाय डूइंग समथिंग वेरी फर्म, एंड एवरी वन हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू समथिंग राइट इन स्टॉपिंग रेप। सो हमने एक अवेयरनेस एजुकेशन किया है लोगों को कि पीपल शुड सी द कंडीशन ऑफ द विक्टम, रेप विक्टम, उनके पेरेंट्स पे क्या बीतती है, कितने सुसाइड्स होते हैं। पिक्चर में जो लड़की रेप विक्टम है उसको कोर्ट में खड़ा कर दिया जाता है, वो बोलती है आई डू नॉट वॉन्ट टू बी ऑन द वेट लिस्ट फॉर द नेक्स्ट 12 years, फॉर नेक्स्ट 20 years मेरा रेप हुआ है और मेरे को ही 20 साल रुकना पड़ेगा जस्टिस के लिए। सो वी आई हैव मेड अ मूवी, ऑनेस्ट मूवी टू ट्राई एंड स्टॉप रेप, देन द लेजिस्लेशन, फिर कानून, आवर पार्लियामेंट, एवरी वन हैज टू डू सम राइटफुल थिंग्स टूवर्ड्स यू एज ए रिपोर्टर,
we just should not just talk about it. I will ask you, what have you done to stop rape in India? Like, a teacher is there in the school. Bachcho ko educate kar sakte hai in the right direction to stop rape. So, I'm happy. I made a very good movie which is resonating, and people are liking the thought behind it, and the people have made it very successful. I'm very proud of it. Thank you very much. Kya aapko lagta hai rape jaise gambhir aaropi hote hain jo unko sazaaye maut dena chahiye, kanoon ke haath mein lekar karna chahiye ki kanoon ke chhod kar aap khud apna badla lena chahiye, kya raaye hai is par aapki? It's very simple. Rapist, rape case aata hai samne, there should be justice given in just 1 month's time. Agar wo pakda jata hai, to proper investigation ke baad, ek mahine mein justice decision aa sakta hai. And the decision has to be a very, very severe punishment. And it could be, he should be hanged. So, जब तक हम एक सजा डिफिकल्ट नहीं कर सकते. अभी एक केस आया, मैं आपको बता रहा हूँ, रेपिस को जेल में डाला, उसको बेल मिली, he has kidnapped the same girl for 1 month. ये मध्य प्रदेश की बात है, 4 दिन पहले की बात है, he has raped the girl for 1 month. So the guy was not punished. If you catch someone, हम सिंगापुर में आपको बताऊं, सैटरडे संडे पे भी लोग काम कर रहे हैं कोर्ट में, लेट इवनिंग काम कर रहे हैं. इंडिया की तरह 20-20 साल केस नहीं चलता. तो 20-20 साल केस चलता है तो जो रेपिस्ट है, इज नॉट बॉदर्ड. ही विल रेप वन गर्ल, ही विल रेप सेकेंड गर्ल, ही विल रेप 10 गर्ल्स. ही नोज ही इज गोइंग टू कम आउट ऑन बेल एंड केस खत्म हो जाएगा. कानून कड़क होना चाहिए, कानून बहुत सख्त होना मांगता है. एंड मेरे पिक्चर में तो जो लड़की, दो रेप विक्टिम्स है, एक सुसाइड करती है 30 साल पहले, एंड आज के लाइफ में जो रेप विक्टिम है वो 3 खून कर देती है. ईद के मौके पर आपकी फिल्म रिलीज हुई थी, साथ ही में दो बहुत बड़ी बड़ी फिल्में रिलीज हुई थी, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, मैदान. इसके बावजूद आपकी फिल्म 25 हफ्ते तक सिनेमा घरों में टिक पाई, क्या कारण मानते हैं? देखो, आज के टाइम में पीपल थिंक एंटरटेनमेंट इज ओनली थिंग विच पीपल रिक्वायर. इट्स नॉट करेक्ट. आपका कंटेंट स्ट्रांग है और जीरो एंटरटेनमेंट है तो भी आपकी पिक्चर चलेगी. तो मेरी पिक्चर में यू हैव आइटम सॉन्ग, यू हैव कांस, पेरिस, दुबई, अबू धाबी, न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, बॉम्बे, करजत, गाम्बिया, डकार, इतनी जगहों पे. सो यू हैव विजुअल्स, यू हैव द मूवी इज मूविंग सो फास्ट. आपका 1 घंटा 45 मिनट्स कभी ख़त्म हुआ आपको पता नहीं चला. तो यू विल फील लाइक सीइंग दिस मूवी अगेन एंड अगेन. सो दैट इज द रीज़न व्हाई आई हैव रिपीट ऑडियंस. पीपल हैव टोल्ड मी दे हैव सीन द मूवी फॉर 3 times, 4 times. तो आई माई सेल्फ गेट सरप्राइज कि ऐसा भी होता है. सो इट्स बिकॉज देर इज यू आर गेटिंग कनेक्टेड विद द ऑडियंस. तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ वॉज अ टोटल एंटरटेनर, विच फॉर वॉट रीजन इट फ्लॉप्ड आई कैन नॉट से बिकॉज आई डिडंट सी द मूवी. बट माई मूवी इज एंटरटेनमेंट इज ऑल्सो देयर, बट देर इज कंटेंट. फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ बॉलीवुड यू विल सी अ मूवी, अ स्टोरी नरेशन विच इज हैपनिंग लाइक बर्डमैन इन हॉलीवुड. बर्डमैन में प्ले नॉन प्ले आता है, एंड मेरी मूवी में फॉर द फर्स्ट टाइम इन बॉलीवुड यू विल सी प्ले नॉन प्ले हैपनिंग. एंड इट्स अ फर्स्ट टाइम द टोटल डिफरेंट नरेशन, आप कभी देखा ही नहीं होगा बॉलीवुड में. जब भी ये पिक्चर हॉलीवुड में भी बन रही थी बर्डमैन, तो सभी ने बोला कौन देखेगा, बट दैट मूवी वेंट अहेड एंड गॉट ऑस्कर. सो आई एम होपिंग my film fraternity guys are also going to appreciate the movie, and we might land up getting a Filmfare or a Zee or Screen Award. Thank you very much. Silver Jubilee के बाद क्या आपको लगता है कि Golden Jubilee भी होने की उम्मीद है?
सर जी गोल्डन जुबली आज के टाइम में सिल्वर जुबली हो गई, वो इम्पॉसिबल चीज है। अब गोल्डन जुबली ऊपर वाले के हाथ में है, बट सिल्वर जुबली मैं अपने पूरे टीम को, जितने भी लोग हैं जिसने आधा मिनट भी काम किया है, सबको 5 इंच का हेवी सिल्वर का सिक्का दे रहा हूँ, जिस वहाँ पे छपा हुआ है अमीना सिल्वर जुबली। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ माय मूवी गोइंग अप द सिल्वर जुबली, एंड गोल्डन जुबली में मेरे को बहुत भारी पड़ेगा, उनको सोने का सिक्का देना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल आपसे जानना है, sure, OTT का जमाना है, फिल्म OTT पर रिलीज होने के भी प्लान्स है, ऐसा कुछ सुनने में आया, क्या कहेंगे इस पर आप? सर जी हमारी पिक्चर सिर्फ इट्स नॉट जस्ट अ मूवी, अब मेरी पिक्चर अमीना 1 घंटा 49 मिनट्स की पिक्चर है। इसके अलावा वी हैव आल्सो मेड दिस मूवी इनटू अ वेब सीरीज, तो 21 मिनट्स इनटू 7 एपिसोड्स इज रेडी। सो OTT प्लेटफॉर्म्स आर नेगोशिएटिंग विद अस, तो जो पहला हमसे फाइनलाइज करेगा, सो वी विल बी गिविंग आइदर अ मूवी और OTT जो और अ वेब सीरीज, व्हाट एवर दे वांट। तो आजकल OTT में OTT का जमाना है, वेब सीरीज का जमाना है, इफ समवन वांट्स वेब सीरीज माय मूवी इज रेडी, मूवी एज वेल एज OTT वेब सीरीज। सो हूएवर वांट्स, अभी फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू गो इन द मार्केट टू फाइंड हु वांट्स व्हाट, अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव कांटेक्टेड अस, बट नाउ वी विल प्लान टू सेल द मूवी टू आवर OTT प्लेटफॉर्म फॉर द फर्स्ट टाइम। हमारी नेक्स्ट पिक्चर के अगर लोग हैं तो इधर आ जाइए। बॉस कौन है अपना? वी हैड एसोसिएट डायरेक्टर ओवर हियर ऑफ अमीना हु इज गोइंग टू डू आवर नेक्स्ट मूवी एज अ डायरेक्टर अलोंग विद उमेश हु हैज रिटन अ वेरी पावरफुल स्क्रिप्ट, एंड देन वी हैव एसोसिएट प्रोड्यूसर, वी हैव द हीरो ऑफ द मूवी हु इज फ्रॉम NSD। आप बताइए अपने बारे में जरा। इसके से पहले वी हैव अ एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, वी हैव अ को प्रोड्यूसर ऑफ अमीना धर्म, हु हैज डन लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू मेक अवर मूवी अमीना सक्सेसफुल। आज का भी फंक्शन एवरीथिंग हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय हिम, एंड द फिल्म इज नाउ सिल्वर जुबली थैंक्स टू धर्म फॉर मेकिंग इट सक्सेसफुल। देन वी हैव सो दिस इज